Assalamualaikum everybody, welcome back to my channel. Warm welcome with another new exciting vlog. Hope you guys are good, fine, happy and healthy. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, मज़े में हूँ और अपनी फैमिली के साथ मज़े के खाने इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़े का टाइम गुजार रही हूँ. तो आज हमारे घर बन रही है कचौरी और ये कचौरी की दाल का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है. बस मैं इसको थोड़ा सा घोट रही थी और साथ में देखें आटा भी रेडी हो चुका है कचौरियों का. तो आज हम लोगों का प्लान है कि हम कचौरी बनाएंगे. तो मेरी खाला माशाल्लाह बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाती हैं, कचौरी एक्सपर्ट हैं. कचौरी के जो बैटर है उसमें थोड़ा सा आटा मिक्स कर रही थी और अपनी रेसिपी तैयार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ मिक्स करके, और फिर कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे. और काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ मैं, मुझे यहाँ आकर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा. मेरे कुछ अपने भी काम हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं, तो मैं अपने सारे कामों को भी साथ साथ निपटा रही हूँ, तो इसीलिए व्लॉगिंग का बहुत कम टाइम मिल रहा है. मेरे पास काफ़ी सारी वीडियो शूट हुई हैं लेकिन उन्हें एडिट करके अपलोड करने का जो टाइम है ना वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा. तो ये वीडियो भी मैंने 2-3 दिन पहले शूट की थी जिसे मैं अब एडिट कर रही हूँ. तो बस जल्दी जल्दी से कचौरी का बैटर तैयार करते हैं और कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं. अभी बीच में 2-3 इन्ग्रीडियंट और भी ऐड होंगे इसके, जिसमें चाइनीज़ सॉल्ट और ज़ीरा पिसावा ज़ीरा नहीं, साबुत ज़ीरा ऐड किया था, क्योंकि करना तो पिसावा ज़ीरा ऐड था लेकिन उस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने साबुत ज़ीरे से काम चला लिया. इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कंप्लीट रेसिपी अपलोड नहीं कर रही क्योंकि और भी बहुत मज़े की वीडियोज़ हैं जो मुझे इस ब्लॉग के अंदर डालनी हैं. तो चलें अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं हाँ, चल भाई एक बार अपने आप को ना और हमें भी आप सब लोग जानिएगा. आप अब से जो मेरे ब्लॉग होंगे वो लोगों के साथ होंगे, मेरे ब्लॉग से सब लोग आएंगी. तो ये मामू की बेटी है और ये हमना मेरी खाला की बेटी है और ये महानूर भी मेरी खाला की बेटी है और हम चारों कजन हैं और भी कजन हैं लेकिन अभी फिलहाल ब्लॉग में नहीं है. तो इंशाल्लाह अब हम चारों मिलकर अपने ब्लॉग शूट किया करेंगे. तो आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग प्लीज देखिएगा. और सबसे आप लोग रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज. आप सब इनके चैनल को सब्सक्राइब कर कुछ है नहीं, हमारे पास है ही नहीं. देखिए सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, तो प्लीज आप लोग कर दिएगा सही है. और अपनी पूरी फैमिली से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी वन बाय वन, क्योंकि सब लोग काम में आ रहे हैं. हाँ अभी आ रहे हैं. अच्छा अभी कचौरी बनने वाली है, कचौरी टाइम हो रहा है. हाँ कचौरी टाइम और वो भी शूट करना है. तो इस ब्लॉग को देखते रहे, एंड तक कनेक्ट रहे हमारे साथ. प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. मेरा बताएगा कैसी लग रही हूँ, यही फील होता है कि मैं कैसे लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ. भाई देखो घर में सब लोग ऐसे ही होते हैं, हम ऐसे ही रहते हैं. आप बताइएगा सही है कि मेरी कजन आप लोगों को कैसी लगी. और ये छोटा कजन है रयान द रॉब, इनका भी चैनल है, इनके भी प्रमोशन करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल कचौरी के लिए. मेरी खाला ने कचौरियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हैं. बहुत ही ईजी टेक्निक है, लेकिन दिखने में बहुत ईजी लगती है, लेकिन ये टेक्निक हर किसी को नहीं आती क्योंकि उसको काफ़ी परफेक्शन के साथ बनाना पड़ता है. और मुझे तो बिल्कुल भी कचौरी बनानी नहीं आती, इसलिए मैं इनसे सीख भी रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ी सी साथ में वीडियो भी शूट कर लेते हैं. और ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा तब आता है जब सब लोग साथ हों और साथ होकर ना मिलकर इंजॉय करें ऐसे आइटम्स को. तो हम सारे कजन्स भी साथ थे, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे घर में, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम कचौरी बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं. मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, तो अभी यहाँ पर कचौरियाँ बन रही, जल्दी जल्दी से कचौरियाँ बनाते हैं और फिर इसको इन्जॉय करते हैं गर्मा गर्म.
यहाँ पर हो रहा है सेल्फी टाइम और यहाँ पर एक बहुत ही फनी सीन हुआ। आप लोग देखिए, हम लोग अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे हैं सेल्फी में, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। जो पीछे आप मेरा कज़न देख रहे हैं छोटा सा, ये हम सबका बहुत लाडला है, तो ये हमें इतना डिस्टर्ब कर रहा था कि मेरी खाला चप्पल लेकर आ गई उसे मारने के लिए, लेकिन वो बच गया फॉर्चुनेटली। तो वो हमें मुस्तकिल तंग कर रहा था, और सेल्फी में बीच में आके ना जो बच्चों की आदत होती है तंग करते हैं, तो बस वो कर रहा था। लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं इन्जॉय करने के, जब सब कज़न साथ होते हैं। अगर आप लोगों के कज़न हैं तो आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारे कज़न अभी मिलकर ले रहे हैं सेल्फी। अच्छा, बाकी के जो व्लॉग्स है वो ईशाल शूट करेगी। ईशाल मेरी हेल्प करी है, बहुत अच्छी बच्ची है ये। बस ईशाल से एक रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा, वो क्या चश्मा थोड़ा ऊपर कर लेगा तो शूट नहीं हो सकता। ये नहीं डलनी चाहिए। ओके, नहीं डलेगा, बिल्कुल डलेगा। कोई बात नहीं, ये हमारा कजन टाइम है ना, तो इसकी टेंशन मत लो। ऐसी होती रहती है नहीं, पर हमारी कजन दिखने में आपको ना बहुत सीधी सी लगेगी, लेकिन पूरी मॉडल है ये, पूरी मॉडल है। तैयार होने का सिर्फ हम बात करते रहे, खड़े हो जाते तैयार होने फौरन फौरन। और आइडिया इनका होता सारा, मैं सिर्फ आइडिया दे दी थी ना, सो गई। सारी कचोरियां बन चुकी है और कुछ ये वाली है अभी, ये थोड़ा सा बैटर भी बच गया है, आटा भी काफी सारा है। वैसे जाएंगी ना जब कढ़ाई में, तब शूट। तो यहाँ पर फ्राइंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और देखिए इस तरीके से मेरे खाला फ्राई कर रही हैं। अभी है कि हमारी बची है जरा बड़ी बड़ी कचोरियाँ, हमारी पसंद बड़ी की जाती है, आप छोटी भी बना सकते हैं माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से काफ़ी सारी कचौरियाँ जो थी वो फूल रही थी, फ्लफ़ी हो रही थी। मैंने कभी भी ख़ुद से कचौरी नहीं बनाई, हमेशा फैमिली में या तो मेरी खाला बनाती है, एक और खाला है वो बनाती हैं, मैंने ख़ुद से कभी भी नहीं बनाई। लेकिन मुझे एक नई रेसिपी सीखने को मिली, और आप देखिएगा कि कितनी अच्छी ये फूलेंगी और बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया, इवन सब ने इन्जॉय किया। क्योंकि मैं बार बार अपने ब्लॉग में एक बात बोलती हूँ कि हमेशा इंसान का दिल नहीं करता कि वो रोटी सालन या चावल वाला खाना खाए, कभी कभी कुछ हट कर दिल करता है। तो हम लोगों ने भी लंच में कचौरियाँ बनाई थी, और ये दो दो कचौरियाँ इतनी हैवी हो गई थी ना कि दो कचौरियाँ खाने से पेट एकदम फुल हो गया था। तो जल्दी जल्दी सारी कचौरियाँ बनाते हैं और फिर शेयर करते हैं आपसे इसका फाइनल लुक। कचौड़ियाँ इज़ रेडी एंड नाउ इट्स टाइम टू इन्जॉय गर्मा गर्म कचौड़ी विद रेड वाली चटनी। और यहाँ पर हम सारी कज़न्स इन्जॉय करें, मज़े मज़े से खा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग, जिसमें मैंने अपनी खाला की सीक्रेट रेसिपी कचौड़ी की शेयर करी आप लोगों के साथ। आप लोगों के घर में भी बनता होगा, लेकिन हर किसी की अपनी एक रेसिपी होती है जो वो फॉलो करता है। तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और मज़ेदार से ब्लॉग के साथ, जिसमें हम लोग कराची को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।